देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। सियासत में कुछ भी मुमकिन है। सियासत में अगर ये कहा जाए कि कोई भी चीज नामुमकिन नहीं तो ये बात भी गलत होगी। खास तौर पर अगर बात की जाए पाकिस्तान में सियासत की और पाकिस्तान में जिस अंदाज से सियासत की जाती है उसमें तो ये कहा जा सकता है कि कल के दुश्मन आज के दोस्त हो जाएं, ये कोई बात नहीं, और कल के दोस्त आज के दुश्मन निकले, ये भी इसके बारे में भी कुछ कहना गलती होगा। इस वक्त पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की बात करें तो यहाँ पे जिस अंदाज से बलदियाती निजाम के हवाले से एक टग ऑफ वॉर देखी जा रही है, एक सियासी रसाकशी देखी जा रही है, इसमें ये कहना तो यकीनी तौर पर अहम होगा कि अवाम के लिए कुछ निकले या ना निकले, लेकिन इस वक्त सियासी किरदार अपना किरदार भरपूर अदा कर रहे हैं। सियासत के मैदानों से जो बहुत सी खबरें काफी अरसे से चलती नजर आ रही थी, कुछ इत्तेहाद की बातें थी, कुछ इल्हाक की बातें थी, कुछ अलहदगी की बातें थी, वो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आती जा रही हैं। गुज़श्ता रोज़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से अपनी नाराजगी का इजहार किया गया वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के की तरफ, और दूसरी जानिब एक और बड़े इत्तेहाद का इशारा भी दिया गया। ये इशारा इत्तेहाद का जो था वो मुस्तफा कमाल साहब और फारूक सत्तार साहब के साथ मिलकर मुत्तहिद होने का इशारा था। इस हवाले से कल एक अहम मुलाकात हुई पाकिस्तान हाउस में, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो कि रहनुमा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, और साथ में मुस्तफा कमाल साहब मौजूद थे जो कि रहनुमा है पाकिस्तान पीएसपी के। इन दोनों ने मुलाकात की और एक मुश्तरका तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उसमें क्या कुछ कहा गया आपको सुनाते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबरा कन्वीनर अपनी टीम के साथ आए हैं, बात की है, इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। हम इसको इसका पॉजिटिव इंशाल्लाह ताला इसका रिस्पांस करेंगे, जवाब देंगे, और अपना जो हमारा हिस्सा है, जो हमारा हिस्सा है शहर के लिए, मुल्क के लिए, हम उसको उसमें उसको उस हिस्से को डालने में कहीं से भी पीछे नहीं रहेंगे। मैं एक बात यहां से कहना चाहता हूं पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को कि यहां पर जिस तरह का तसल्लुत है उस तसल्लुत से रोका जाए, पार्टीज को रोका जाए, जमातों को रोका जाए, सिंध की हुकूमत को रोका जाए, इंसाफ फराम। आज अगर सिंध की हुकूमत जो है वो इंसाफ फराम करे, सही बात करे, हम उसको जो है वो वेलकम करेंगे, अच्छी बात करेंगे, लेकिन अगर इस तरह का रवैया रहा तो ये कोई मकबूजा शहर नहीं है जिसको जो है वो कब्जा करने की इसके ऊपर बात हो। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले में हम सब लोग जो है वो इस पर कोई दो राय नहीं है, हम एक हैं, हमें समझ में आती है ये वाली बात, और इंशाल्लाह ताला इस शहर के लोगों के लिए और इस सूबे के लोगों के लिए, इस मुल्क के लिए हम इज्तिमाई तौर पर जो भी फायदे की बात होगी हम वो बात करेंगे। पाक से जमीन पार्टी, मैंने, मुस्तफा कमाल ने, मेरी पार्टी ने। तो मुलाकात आपने देखी और मुलाकात के बाद होने वाली जो गुफ्तगू थी आपने वो भी मुलायजा की, लेकिन अगर इसके ऊपर बात करेंगे और जो सियासी दर्जा हरारत में तब्दील आया इसके ऊपर बात करेंगे। आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं जनाब अनवार शेख साहब, सीनियर सहाफी हैं, तजियाकार हैं, साथ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं राहिल मेमन साहब जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं ठाकुर कायम खानी साहब। मैं ठाकुर साहब आपसे अगर प्रोग्राम का आगाज करना चाहूँ कि ये जो मुलाकात हुई बिलावल हाउस में और उसके बाद हमने देखा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की नाराजगी भी देखने में आई और अभी तक वो उस तरीके से मुतमईन नहीं, कल भी उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी वफाक से भी, तो अब सूरत हाल क्या बनती नजर आ रही है? देखिए इस सिलसिले में मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे पार्टी के कायदीन से जो उनकी मुलाकात हुई है और यकीनन जो गुफ्तगू दो दिन तीन दिन के लिए कहा गया है कि हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत है, पीपल्स पार्टी ने अपने इत्तेहादियों को हम साथ लेकर हमेशा चले उनकी मशावरत के साथ, और ठाकुर साहब आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है, आप खुद ही कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनवार साहब आपने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या नजर आया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको? बहुत शुक्रिया मुनीर साहब, आपने आज मुझे स्टूडियो में इस जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो हालात और वाकयात जो तेजी से तब्दील हो रहे हैं उस पर आज बुलाया। मुनीर साहब मसला ये है जो सूरत हाल चेंज हो रही है आप देख रहे हैं कि बहुत इस तरह स्पीड से चेंज हो रही है। सबसे बड़ी जो मैं सूरत हाल देखी मैंने कि एमकेएम पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं खालिद मकबूल साहब वो पाकिस्तान हाउस पहुंच गए, ये एक बहुत बड़ी समझ लें एक तब्दील। उसके अलावा गवर्नर साहब की कोशिशें भी आप देख रहे हैं कि गवर्नर साहब भी अपने तौर पर पूरी कोशिशें कर रहे हैं
कि ये सब जितने भी मुत्तहिदा के जो ग्रुप्स हैं वो सब एक हो जाएं। अच्छा, वो क्योंकि देखें कराची की बका और कराची के मसाइल जो संगीन मसाइल हैं उनके हल के लिए वो ये कोशिश कर रहे हैं गवर्नर साहब। उन्होंने अभी भी कल भी उन्होंने यही बयान दिया कि मैं ये चाहता हूं कि ये सारे जितने भी हैं, चाहे वो पीएसपी हो, फारूक सत्तार साहब हो, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हो, ये अफाक अहमद साहब हो महाजिर कोई मोमन के, तो कह रहे थे मैं जाऊंगा उनके पास भी और ये सब एक हो जाए। क्योंकि कराची एक बहुत बड़ी दलदल में फंस चुका है मसाइल के, सैवरेज, टूटी हुई सड़कें, गैस, बिजली, पानी, लोग बिलबिला रहे हैं। मुनीर साहब आप सोच नहीं सकते जो हालात चल रहे हैं, लोग तकलीफ से ऊपर रब की तरफ देख रहे हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। देखें इन सबको मिलना पड़ेगा कराची की बका के खातिर, कराची के मसाइल को हल करने के खातिर। अच्छा, मैं जब तक ये सब एक नहीं होंगे बात करूंगा, तब तक मसले हल नहीं। लेकिन ठाकुर साहब हमारे साथ लाइन पे, ठाकुर साहब पहले ये आप जो बात कर रहे थे मैं चाहूंगा पहले उसको मुकम्मल कर लें कि वो जो मुलाकात हुई उसमें अंदरूनी कहानी क्या थी। अंदरूनी कहानी है कि हमारी पार्टी क्यादत से जो इन्होंने मुलाकात की है उस सिलसिले में जाहिर है बात को आगे बढ़ाने के लिए गुफ्तगू तो हुई है और दो दिन के बाद जो ये कहा गया है कि दो दिन के बाद मामला ठीक हो जाएंगे, असल में मशावरत जाहिर है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जो दीगर इनके ग्रुप्स हैं वो आपस में जाहिर है मशावरत कर रहे हैं और मशावरत के बाद भी उसमें टाइम भी लग रहा है। तो लेकिन यह है कि उनका विजन इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो कि कराची के इंटरेस्ट में वो क्लियर होगा, तो बिल्कुल इसी तरह थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क्यादत है वो भी अपने क्लियर विजन के साथ अपने इत्तेहादियों के साथ हमने मशावरत से जो है मामला को बेहतर बनाया है। और आसिफ जरदारी साहब मैं समझता हूं कि जो इफाम तफीम के हवाले से और अपने इत्तेहादियों को साथ लेके चलने में अपना एक मुकाम रखते हैं, दो दिन के बाद जैसा कि उन्होंने कहा है कि मशावरत के बाद ही मामला ठीक हो जाएंगे, इसमें किसी तौर भी जो है वो मेरे ख्याल से कोई गलत फहमी। तो आपको लगता है ठाकुर साहब के ये हल होना चाहिए, आपको लगता है कि जो हल्का बंदियों के हवाले से जो तहफुजात हैं मुत्तहिदा कौमे पाकिस्तान के, ये तहफुजात दुरुस्त हैं और इनको सही किया जा सकता है या इंतखाबात से पहले ये तहफुजात दूर कर दिए जाएंगे? देखिए अगर टाइम हो इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि आप अगर 15 जनवरी को इलेक्शन होने हैं तो उसमें तो इतना टाइम है नहीं कि जो है वो अब हल्का बंदियां, जब हल्का बंदियां बनी थी उस वक्त ज़ाहिर है टाइम भी दिया गया था कि उस पर एतराज दाखिल किए जा सकते थे और यकीनन बहुत सारे लोगों ने उस पर एतराज दाखिल भी किए होंगे और किसी हद तक कहीं कोई मामला ठीक भी हुआ होगा। अगर कुछ बकिया कुछ मामला रह गए हैं तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मशावरत में अगर ये बात आ जाती है कि जी पहले हल्का बंदियां होनी चाहिए तो अगर कोई लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कराची है तो वो काम हो जाना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि इंतखाबात की ताखीर अगर डिले कर दिया जाए तो सूरत हाल काबू में आ सकती है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको डिले कर दिया, मैं तो कह रहा हूँ इंतखाबात फौरन होने चाहिए, इसलिए कि दो तीन बार तो पहले जो है वो डिले हो चुके हैं, अखराजात भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं और जो असल में बेसिक डेमोक्रेसी जो लोकल लेवल पर जो गलियों के मसाइल हैं, वाटर सेवरेज के मसाइल हैं, उसमें लोग जो है वो बड़े परेशान हैं। तो अगर मुंतखब हो जाते हैं और आधे दिन में जैसे आधे से ज्यादा इलेक्शन हो चुके हैं और इलेक्शन अब वो सिर्फ कराची और हैदराबाद के इंतजार कर रहे हैं कि इंतखाबात हो जाए, तो फिर वो जो लोकल सतह के लोग हैं वो फिर अपने अख्तियारात के साथ अपना काम करेंगे। अच्छा, उसमें अगर फर्ज करेंगे कुछ कमी बेशी है अख्तियारात के हवाले से या और किसी मामले में तो वो मशावरत तो हो सकती है, उसको बाद में भी ठीक किया जा सकता है कि साहब ये अख्तियारात जो है उसे बढ़ा दी जाए या जो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम हैं उस पर उसमें अगर कोई कमी रह जाती है तो उसको ठीक कर लेना ठीक हो गया। आपका पॉइंट वैलिड है कि अगर अदालतों के जरिए भी फैसले कराने तो ये इंतखाबात के बाद भी मुमकिन है। राहिल साहब मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप भी जरूर कमेंट करें क्योंकि इस वक्त मुत्तहिदा कॉन्वेंट के तहफुजात एक वक्त में हल्का बंदियों के हवाले से तहरीक इंसाफ के भी तहफुजात थे, अब ये तहफुजात आपको लगता है कि इसको पसे पर्दा रखते हुए इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहिए, ये बेहतर अमल होगा? मुनीर भाई बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इनवाइट किया। तो बल्दियात के हवाले से इस वक्त पोजीशन आपको वाजह नजर आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची और खासकर लियावी और साउथ के दूसरे इलाकों में माशाल्लाह इस वक्त जिस तरीके से उन्होंने 18 के इलेक्शन के अंदर परफॉर्मेंस दिए तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा बेहतर और मौसर तरीके से उम्मीद है कि PTI बहुत ज़्यादा सीटें निकालेगी। ठीक है, और आपने तो देखा कि इस वक्त PTI ने जब एप्लीकेशन दायर की थी उस वक्त बहुत टाइम लग गया उसको और अब PTI खुद ज़्यादा ये चाह रही है कि इलेक्शन हो जाए। उसका कहने का मकसद ये है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा बेहतर जो है इलेक्शन होना वो फ़ायदेमंद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि आपने देखा है कि हमारे जो खुर्रम शेख जमान साहब हैं, हमारे जो सबका कराची के सदर, वो हमारे कैंडिडेट हैं मेयर कराची के लिए,
और उनकी अपनी खिदमत और जो उनकी परफॉर्मेंस है वो किसी से ढकी छुपी नहीं रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि तहरीक इंसाफ अपना मेयर ला के इंशाल्लाह कराची को बेहतर तरीके से जो है ना मसाइल को हल कर सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ठाकुर साहब, इस पर आपका भी एक रद्दअमल चाहूंगा कि कराची के हवाले से आपके वैसे तो इत्तेहादी मुत्तहिदा गवर्नमेंट, लेकिन कहीं ना कहीं ये एतराज पाया जाता है कि शहरी इलाकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस तरीके से पेनिट्रेशन नहीं है। आपको लगता है कि इत्तेहादी होने के बावजूद अगर मुत्तहिदा गवर्नमेंट का ये लबो ले जाए तो फिर इत्तेहाद फिर किस बात का? देखें 2015 के इंतखाबात के बाद बल्दियात में मैं खुद भी जो है वो डीएमसी ईस्ट में लीडर ऑफ अपोजिशन रहा हूँ, तो जिन डिस्ट्रिक्ट्स में इनके चेयरमैन थे वो तो वहां तो फुल फ्लैज जिन्होंने हमारे इत्तेहादियों ने बे इंतहा काम किया है, और जहाँ जरूरत में महसूस हुई है काम की बेहतरी के लिए वहां इनके साथ मुकम्मल तआवुन भी किया गया है। अब जहां तक बात है कि साहब इस वक्त जो अख्तियारात का भी रोना रोया जाता रहा, और अभी मुर्सा वहाब साहब जो बहुत थोड़े से अरसे के लिए कलील अरसे के लिए आए थे, वसाइल वही थे लेकिन विल और विजन की बात थी। आप समझ रहे हैं कि कराची में बे इंतहा काम हुए हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत ने जिस तरह से कराची शहर को ऑन करके बड़े, मैं अगर वो काम गिनवाना शुरू कर दूं मेरे ख्याल टाइम उसी में चला जाएगा। मैं इतना कहना चाहता हूं कि न सिर्फ ये कि अगर दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि हमारे लिए बेहतर है, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी ये ज्यादा बेहतर है कि इंतखाबात जो है वो फौरी तौर से हो जाए। लेकिन अगर कोई हमारे इत्तेहादियों के हवाले से कोई रिजर्वेशन है और हमारी पार्टी का जो फैसला करती है तो जाहिर है हमें उस पर अमल दरामद करना है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जितनी जल्द इंतखाबात हो जाएं वो ज्यादा बेहतर होगा। अगर कोई भी और आखिरी सवाल मैं चाहूंगा ठाकुर साहब इसके ऊपर एड्रेस कर दीजिएगा कि ये जो अभी मुत्तहिदा गवर्नमेंट के मुख्तलिफ धड़ों का एक हो जाना है, पीएसपी की बात करें, फारूक सत्तार साहब की बात करें, हकीकी ग्रुप की बात करें, ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहीं टफ टाइम तो नहीं देगा जब बल्दियाती इंतखाबात का मसला आएगा तो? देखिए जी टफ टाइम की इसके अंदर कोई बात ही नहीं है। हमने तो उस पोजीशन में होते हुए कि जब हम इंडिपेंडेंट अपनी हुकूमत बना सकते थे सिंध के अंदर, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि कराची शहर के लिए, हैदराबाद के लिए, बेहतरी के लिए हमने अलायंस किया, हुकूमत में शरीक रखा, और हमारे लिए कोई टफ टाइम की बात नहीं बल्कि ये बात खुशाइन है। ये कराची के लिए बहुत ज्यादा खुशाइन बात है कि ये अगर इनका आपस में अलाइन होता है तो हमें इस पर कोई एतराज नहीं है, अलग अलग बात करने की जरूरत नहीं है। अगर लीडर स्टिप इनकी एक हो जाती है और ये कोई बेहतरी की बात कर रहे हैं तो इनकी उस बात से कौन इनराब करेगा कि साहब ये कोई अच्छा मशवरा देना चाहते हैं, और हमारा हमारी ये ख्वाहिश है कि ये एक हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म पे हो जाएं और कराची की बेहतरी के लिए काम करें। इसलिए कराची जो है वो एक माशी हब है और तमाम मामला कराची में सुकून अमन जिस तरह से हुकूमत सिंध ने अमन कायम करने में अपना किरदार अदा किया है, और अब डेवलपमेंट में पूरे शहर में गली गली और बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो आ रहे हैं, और ये कहा जा रहा था कि सब पुरानी मस्जिदों में और रक्षों में जाएंगे, अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो बसेस जो है वो एक कोने से दूसरे कोने तक लोगों को आसानी से ठीक हो गया। ठाकुर साहब आपका मौकफ आ गया और यकीन तौर पर आपने आज हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अनवार साहब मैं आपसे जरा जानना चाहूंगा, ठाकुर साहब कह रहे थे कि मुत्तहिदा के मुख्तलिफ धड़ों का एक हो जाना खुशाइंद है, आपने भी ये बात कही, मुझे सिर्फ ये बात तो समझाएं कि जब ये तमाम तर लोग में बंटवारा नहीं था, जब एक ही साये तले थे, एक ही छत तले थे, तब भी कराची की जो सूरत हाल थी वो ज्यादा कोई मुख्तलिफ तो नहीं थी, सिवाय वो दो या तीन साल के जब मुस्तफा कमाल साहब की मेयरशिप थी, परवेज मुशर्रफ साहब मुल्क के सदर थे और उनका जाती तौर पे भी कराची के हवाले से एक इंटरेस्ट नजर आता था, उस वक्त भी खजानों के मुंह खोल दिए गए थे। अगर मैं उस दो या तीन साल की परफॉर्मेंस को हटा देता हूँ तो शायद मेरे ख्याल से कोई ज्यादा बड़ा फर्क तो नजर नहीं आता मुझे। देखिये मुनीर साहब, मसला ये है जो हालात और वाकयात मुत्तहिदा के साथ रहे और जिन क्राइसिस का शिकार वो आज तक है, आप इस बात की ज़रा गहराई को समझें। वो ठीक है तरक्याती काम और कराची के जो बुनियादी मसाइल हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि जिस क्राइसिस का शिकार रही, और आपको पता है 22 अगस्त के बाद जो 2016 उसके बाद से जो मामलात उनके ख़राब होते चले गए, वो बिखरते चले गए, वो आज तक बिखरे में, तो मैं ये समझता हूं। और उनको सिमटने का जिम्मा गवर्नर सिंह ने लिया जी, आजकल जो है गवर्नर सिंह जो है, और इसके पीछे की ख्वाहिश किसकी हो सकती है, मंशा किसकी हो सकती है? देखें ख्वाहिश किसी की भी है, लेकिन जायज है, मैं समझता हूं ये एक जायज है, जायज ख्वाहिश, जायज आपको ये लगता है, ठीक है, जायज है। इसके ऊपर मैं मुझे ब्रेक लेना है क्योंकि इस ख्वाहिश के ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले कराची वालों के अरमा, फिर भी कम निकले। इसके ऊपर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं द
द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा तस्करा हो रहा था, ये जो इत्तेहाद बन रहे हैं, नए इत्तेहाद बन रहे हैं, और जिस बेसिस पे तहरीक इंसाफ के साथ मुत्तहिदा कॉमेंट ने छोड़ा था, अब वो बेसिस अगर कवर नहीं होती, यानी कि हल्का बन गया, कराची और कराची वालों के मसाइल की बात करें, अगर वही सारे मामलात 9 माह की हुकूमत में भी ना तय पाए गए, तो क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस हुकूमत के साथ मजीद कुछ चल सकती है? और अगर इस हुकूमत के साथ ही कंटिन्यू करना है, तो फिर तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ने में क्या ही वजह थी? राहिल साहब, ये सवाल तो अक्सर उठ रहा है, और खुद मुत्तहिदा गवर्नमेंट के लोग भी कह रहे हैं कि हमारी तरफ से तो हमने तो हुकूमत को छोड़ा, इसीलिए हमने तो कुर्बानी दी, हमने अपने सियासी मैंडेट को दांव पे लगा दिया जब हमने तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को छोड़ा। आज 9 माह हो गए, जिन मुतालबात का तस्करा हो रहा था वो मुतालबात तो पूरे ना हुए, अब क्या होगा? क्योंकि इसी तरीके से इंतखाबी अमल अगर हो जाता है और हल्का बंदियां हैं, डिलिमिटेशन है, इख्तियारात की बात की जाए, अगर वो सब नहीं होता, तो फिर मुत्तहिदा गवर्नमेंट का क्या लगता है, इस हुकूमत का रहने का जवाब बनता है? बिल्कुल भी नहीं बनता है। मैं समझता हूँ कि आप 9 महीने में अपने कराची के जो मामलात हैं वो जूँ के तू हैं, आप उनको हल तो नहीं कर सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM का इत्तेहाद जितने टाइम भी चला, आपको पता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि कराची के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ और वो काम हुआ भी। खासकर हमारे लियारी के अंदर आप देखें आए, वो वहाँ पे जितना काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हुआ है शायद उससे पहले नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे टाउन्स में और UCs के अंदर नज़र आई हैं। अब आगे चल के उनके साथ क्या मामलात हुए, वो किसकी ईमा के ऊपर यहाँ से वहाँ हो गए, वो आज भी वही मामलात हैं कि उनके मामलात हल की तरफ नहीं जा रहे। तो मैं समझता था कि शायद उनको न्यूट्रल रहना बेहतर होता, वो ना यहाँ जाते ना वहाँ जाते, तो उनकी साख जो है ना वो इतनी मुतासर नहीं होती। अच्छा, उनकी साख मुतासर होने से आज सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो हुआ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले इलेक्शन में 14 सीटों पर MNS जीत चुकी है, और अब आइंदा की जो इलेक्शन नज़र आ रहे हैं, जैसे कि बल्दियात हैं या उसमें, तो आप उर्दू स्पीकिंग जो एरियाज़ हैं वहाँ पे आप देखिएगा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ज्यादा बूम करके आएगी, क्योंकि लोगों के पास चॉइस नहीं है, लोगों के पास, लोगों ने आजमाया हुआ है। इत्तेहाद हो जाता है। अभी अगर मैं कहूँ कि जो कल मुत्तहिदा के आपस में जो ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबा हुआ करते थे, अगर वो अब नहीं होते और अब सब अच्छा है का एक राग हम देखेंगे, अगर ये हो जाता है तो फिर तो शायद तहरीक इंसाफ के लिए भी एक मुश्किल खड़ी। मुश्किल तो है, मगर इस पर यह है कि खान साहब का एक विजन है कि आवाम को जो है साथ लेके चलना है। वो मैं समझता हूँ कि MQM और दूसरी पार्टी को तो लोग बहुत ज़्यादा आजमा चुके हैं ना, अब हमें तो इतना वक्त मिला नहीं, मगर इस वक्त जो आप ग्राउंड पे जाएं और आप देखें कि हालात को, ये सारी चीज़ों का जो बेनिफिट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है। चलें, बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा और इसका दूसरे साइड पे क्या असर है, इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि राजा राशिद साहब पाकिस्तान पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं टेलीफोन लाइन पे। इनसे जरा जानते हैं कि जो कल एक ड्रामाई मोड़ देखने में आया, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आए और मुस्तफा कमाल साहब के साथ मुश्तरका तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बड़ी अच्छी बातें हुई, कराची वालों के लिए बड़ी अच्छी बातें थी, ये अब लगता है कि बर्फ पिघली है कि नहीं? राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? सही से। राजा साहब ये बताएं कि अब कुछ बर्फ पिघली है, कुछ दिलों के जो जख्म थे उनमें कुछ बेहतरी आई है कि नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखें बात यह है कि पाक सरजमीन पार्टी का तो शुरू से ये मौकफ है कि हम तो देखें, जब लोकल गवर्नमेंट के हवाले से जमात इस्लामी ने इस इशू को टेकअप किया तो हमारी जो क्यादत थी, हम जो है वो हमने विजिट किया जमात इस्लामी के कैंप को, तो आप उससे हमारी जो इंटेंट है वो बिल्कुल क्लियर है कि हम कोई भी जो बेटरमेंट ऑफ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑफ कराची या पाकिस्तान कोई भी बात करेगा तो जाहिर है हम उस बात को हम सपोर्ट करेंगे। और दूसरा आप ये देखें कि मेन मकसद क्या है, इस वक्त जो पाकिस्तान जिस सिचुएशन से गुजर रहा है, क्योंकि मुस्तफा कमाल भाई ने तो कई दफा कहा है कि ये जो कराची जो है ये फाइनेंशियल हब है, जब तक आप इसको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, लोगों के जो राइट्स हैं उनके उनके डोर स्टेप तक उनके पैसे और राइट्स जब तक नहीं देंगे, तब तक ये जो फाइनेंशियल इंजन है जब तक ये नहीं चलेगा तो पाकिस्तान का बाकी सिस्टम कैसे चलेगा। तो उसके लिए बहुत जरूरी है, जाहिर है बाहर से तो किसी ने नहीं आना,
और बाहर से जो जो पार्टीज पहले जो आ चुकी हैं उनको भी, जहाँ तो देखे ना पीपल्स पार्टी 14 साल से उनकी गवर्नमेंट है, वो भी जीतते रहे, जीतने का इश्यू नहीं है। और बाकी पार्टीज जो थी वो भी यहाँ से पीटीआई जो है वो भी जीती, लेकिन जीतने का इश्यू नहीं है। जीतने के बाद जो लोगों ने डिलीवर नहीं किया, हम तो कंपेयर करते हैं पाकिस्तान को, देखें चाइना पाकिस्तान से 2 साल बाद आज़ाद हुआ, उसके बाद आप देखें इंटरनेशनली अपकमिंग सुपर पावर है, वहाँ भी लोग रहते हैं, अल्लाह ने उनको भी वैसा ही दिमाग दिया है जैसे हमें दिया है। तो हम कंपेयर करते हैं वो 60 साल वाली पार्टीज, 40 50 साल वाली पार्टीज जो थी, उन्होंने अपना रोल प्ले उस तरीके से नहीं किया। चले हम टॉप 10 रैंकिंग में नहीं, कम से कम तरक्की याफ्ता मुल्कों में तो होते। तो इसकी गलती कौन है, मतलब गलती किसी की तो होगी ना। आप चाइना का मुआवजा कर रहे हैं पाकिस्तान से, आज खुद आप तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान उस जगह तक नहीं पहुंच सका, तो कोई तो वजह रही होगी। हम कंपेयर इसलिए कर रहे हैं कि हम ये रोल मॉडल, पाकिस्तान में एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका है। पाकिस्तान भी एक वक्त में कराची शहर जो था दुनिया के 12 तेज तरीन तरक्की याफ्ता शहरों की लिस्ट में आया, इंटरनेशनल रैंकिंग में आया। सही। और ये मुस्तफा कमाल भाई की क्यादत में अल्लाह ने ये इज्जत उनको दी, और हम उससे नीचे किसी भी तरह का कोई स्टैंडर्ड जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। पाक सरजमीन पार्टी जो है वो इसी स्टैंडर्ड के मुताबिक चाह रही है पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट हो, ना सिर्फ कराची शहर बल्कि पूरा पाकिस्तान इसी रोल मॉडल के ऊपर, उसके ऊपर वर्किंग हो, इसी तरीके से लोग विजिलेंट रहें, इसी तरीके से लोग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। और जब तक ये सिस्टम नहीं होगा तब तक तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप देखें यहाँ पे 127 अरब डॉलर का पाकिस्तान के ऊपर कर्ज आ गया, 5.8 अरब के आपके रिजर्व रह गए। लेकिन राजा साहब आप ये बातें कह रहे हैं, आदाद शुमारी बता रहे, बिल्कुल दुरुस्त है। आज आप जिस जमात के साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं वो तो इस मौजूदा हुकूमत का हिस्सा है, तो फिर ये जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी आएगी। मैंने मैंने जब तक मैंने बात जब स्टार्ट की थी तो मैंने ये कहा था कि यहाँ जो हम लोग रह रहे हैं सबने, यही लोगों ने अपने आप को अपना किबला दुरुस्त करना है ना, बाहर से किसी ने नहीं आना। बाहर से जो पार्टीज आई उन्होंने यहाँ सर्व नहीं किया, और हमें अपना किबला दुरुस्त करना है, हमने अपने आप को ठीक करना है राइट पर्सन राइट जॉब के लिए, हमें अपनी चीजों को ठीक करना है, रिवाइव करना है, रिव्यू करना है। जब तक हम ये चीजें ठीक नहीं करेंगे तब तक ये मसला हल नहीं होगा। अपना विजन ठीक नहीं करेंगे जब तक, तब तक ये चीज ठीक नहीं होगी। और अगर हम ये इसी तरीके से बैठे रहे जी कि ठीक है हम कन्फ्रंटेशन जारी रहे, तो आप बताएं ना जब शहर के घर के अंदर के लोग जो हैं वो अपना किबला दुरुस्त ना करें, वो अपने आप को ठीक ना करें, वो कोई किसी किस्म की जामे हिकमत अमली ना बनाएं, तो आगे मामलात कैसे चलेंगे। बाहर से तो इसी तरह फॉर टाइम पास के लिए ठीक हो गया। राजा साहब आपका मौका आया, मैं मुझे आपकी तरफ आना है, मैं अनवार साहब से इसके ऊपर बात करूं। अनवार साहब ये जो राजा राशिद साहब फरमा रहे हैं कि ये बात बहुत अच्छी है कि अगर मुल्क की तामीर तरक्की की बात है तो इत्तेहाद कर लिया जाए, और मौकफ अगर एक हो जाए कि तामीर तरक्की है तो फिर साथ बैठने में कोई कबाहत भी नहीं है। लेकिन मुझे जरा ये बताएं जो एपीसी का इस वक्त हम बात करें, जो मुत्तहिदा कौमों ने एपीसी बुलाई है, इस एपीसी की दावत की इब्तिदा पीएसपी से हुई और इसके बाद दीगर जमातों की तरफ भी यकीन तौर पर दावतनामा जाएगा, आपको नहीं लगता कि इस वक्त तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें जमात इस्लामी को भी अगर इस तरह से दावतनामा दिया जाता, खालिद महमूद सिद्दीकी साहब वहां भी जाते तो शायद सूरत हाल में फर्क आ जाता। देखिए मुनीर साहब, मसला यह है कि ये बड़ा खुश आइन काम किया है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, और वो पीएसपी पाकिस्तान हाउस पहुंचे, वो मुस्तफा कमाल साहब से मिले और उनसे पहले गवर्नर साहब पहुंचे, और मुश्तरका जद्दोजहद कराची की तरक्की तामीर के लिए, कराची की बका के लिए, कराची को उस दलदल से निकालने के खातिर ये बहुत बड़ा काम किया। मैं बहुत खुश हुआ हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कराची के संगीन मसाइल को हल करने के, पहली बात। दूसरा, उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात की कि हमें मुश्तरका जद्दोजहद करनी चाहिए और मुश्तरका मिलके हम मिलके इलेक्शन लड़ें जो 15 जनवरी को हो रहे हैं, ठीक है जी। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, इसी हवाले से गवर्नर साहब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के पास गए, उनसे भी बात की कि सबको मिलके हमें कराची की बका के, कराची के संगीन मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। देखें सब बातें बुलाना पड़ेगी, बुलाना पड़ेगी इन सबको एक होने के खातिर जो इनसे माजियों में माजी में गलतियां हुई हैं, इन तमाम रहनुमाओं पहले गलती को तस्लीम करना पड़ेगा, नहीं उनको छोड़ना पड़ेगा, आंखें बंद कर ले थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कराची की तरक्की और तामीर के लिए इन सब चीजों को इन्हें बुलाना पड़ेगा ताकि आगे की तरफ बढ़े, ताकि एक आवाम को, कराची के रहने वाले को, हैदराबाद के रहने वाले को एक रिलीफ मिल सके।
ये बात सही है, लेकिन बहल साहब आपसे भी जरूर चाहूंगा इसके ऊपर कमेंट करें, कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ में भी सोच पाई जाती है कि अच्छा ये इत्तेहाद हो जाए, क्योंकि फिर जो माजी में बहुत कुछ एक दूसरे के मुतालिक इन जमातों ने जो कहा, तो तहरीक इंसाफ को उसको भी शायद मदद हासिल हो सकती है। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ के फेवर में जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। अनवाज भाई की जो मेरी बात है कि ये इत्तेहाद कराची की तरक्की के लिए नहीं, तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए बन रहा है। देखें इस वक्त इनका मुकाबला तहरीक इंसाफ से, चाहे एक जमात हो या तीन हो या 13 जमातें हों, दरअसल इत्तेहाद जो है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए, कि ये बल्दियात के जो इलेक्शन होने वाले हैं और उसके बाद वाले जो इलेक्शन होने वाले हैं, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने इनका मुकाबला किया है और इलेक्शन में भी जाना है, तो आप देखिएगा कि ये जो इत्तेहाद बन रहा है किसी की भी इमा पे हो शायद, ठीक है हम नहीं उसका नाम नहीं लेते, मगर ये जो भी कुछ हो रहा है वो तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए ही हो रहा है। अच्छा राजा साहब, ये जरा आप भी इस पर कमेंट कर दें कि ये जो इत्तेहाद हो रहा है, जो अनवार साहब ने कहा कि मुश्तरका तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लिया जाएगा, तो अगर मैं ये समझ रहा हूं तो पीएसपी अपने डॉल्फिन के निशान पर इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेगी और मुतहदा गवर्नमेंट पतंग के निशान पर लेगी और बस सीट एडजस्टमेंट हो रही होगी और एक दूसरे का सपोर्ट रहेगा, यही बात है? हाँ देखें जी, बात यह है कि बिल्कुल जिस तरह जैसे पीडीएम के अंदर एक पॉलिटिकल अलायंस था और इसी तरीके से हम भी एक पॉलिटिकल अलायंस अगर करेंगे फॉर बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कराची, तो इसमें कोई भी किसी भी किस्म की कोई का बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल रिकग्नाइज बात है कि कराची दुनिया का चौथा वर्स्ट तीन शहरों की लिस्ट में आया है, और ये जो हम अलायंस की या कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं कि वो स्टैंडर्ड जो हमने यहाँ कराची में ऑलरेडी सेट किया हुआ है उससे नीचे कोई कंप्रोमाइज नहीं है और सब ने लेकिन राजा साहब, अगर आप इत्तेहाद की बात करें, आप कराची की बात कर रहे हैं, क्या आपने ये इत्तेहाद करने के बारे में जमात इस्लामी से, तहरीक इंसाफ से, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके साथ भी राबता करने की कोशिश की? बिल्कुल बिल्कुल, बात यह है कि आपने जमात इस्लामी का नाम लिया, हम तो कैंप में जा चुके हैं लोकल गवर्नमेंट की, वो भी उन्होंने भी बहुत अच्छा माशाल्लाह से इनिशिएटिव उन्होंने टेकअप किया जमात इस्लामी, तो जब जब उन्होंने कोई ये चीज रेज की हमने उनको सपोर्ट किया, ठीक है ना। हमारा इशू कोई स्पेसिफिक नहीं है, हमारा इशू जो है वो सिर्फ एक है, वो स्टैंडर्ड जो हमने ऑलरेडी सेट किया कराची के अंदर जिसमें इंटरनेशनली हमें रिकग्नाइज किया गया, उससे नीचे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। कोई भी उस स्टैंडर्ड उस वीएन के मुताबिक अगर आएगा तो हम उसके साथ खड़े होंगे, उससे नीचे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हम मजीद वर्स्ट तीन शहरों की लिस्ट में नहीं जाना चाहते। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, इंसान जहां बैठे उस जगह को भी साफ करके बैठ, ये कौन सा तरीका है कि वर्स्ट तीन शहरों की लिस्ट में हमारा शहर आ गया, मुल्क तरक्की पजीर शहरों की लिस्ट में, 60 साल हमने हुकुमरानी की, क्या किया है? अच्छा मैं इसके ऊपर आता हूँ राजा साहब, मुझे एक वक्फा लेने का कहा जा रहा है, मैं वक्फे के बाद आप ही से गुफ्तगू करूंगा और ये सवाल भी छोड़े जाता हूँ कि अगर ये जो इत्तेहाद है तो ये इत्तेहाद टेम्परेरी इत्तेहाद होने जा रहा है या एक लॉन्ग टर्म इत्तेहाद हो सकता है, इस पर बात करूंगा। ब्रेक लेता हूं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल हमने छोड़ा था राजा साहब की जानिब, कि ये जो इत्तेहाद इस वक्त कायम करने की बातें की जा रही हैं पीएचपी में और एमक्यूएम में, ये इत्तेहाद की जो टेन्योर होगा वो कितना होगा और ये इत्तेहाद का जो एक वर्क फ्रेम होगा वो कितना बड़ा होगा, कितना वसी हो सकता है, क्या बल्दियाती मामला तक ये इत्तेहाद महदूद रहेगा या आगे भी कंटिन्यू कर सकता है, और इस इत्तेहाद में अगर कोई और सियासी जमात के लिए क्या कोई गुंजाइश भी पाई जाती है कि नहीं? राजा साहब चाहूंगा इसके ऊपर जरूर कमेंट कर दें आप। देखें जी, बात यह है कि कोई भी अच्छा काम जो है, या हम कोई नॉर्मली कोई इक्तदार हासिल करने के लिए कोशिश नहीं कर रहे, अगर इक्तदार हासिल करने के लिए होता तो बहुत पहले हमें बहुत सारी ऑफर थी पीटीआई की तरफ से भी, तो हम कब का जो है वो गवर्नमेंट में चले जाते हैं। इक्तदार हमारा इशू नहीं है, हम तो मनोड़ा से लेके कश्मीर तक हमने तो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी दी कि भाई अब आर्टिकल 140A के अंदर एक चैप्टर ऐड कर दें लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात का, और आर्टिकल 160 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसके अंदर आप ये जो एनएफसी अवार्ड है डायरेक्ट आप पैसे लोकल गवर्नमेंट को दें, लोगों के पैसे और उनका अख्तियार मनोड़ा से लेके कश्मीर तक उनके घर पे डोर स्टेप पे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो
पाकिस्तान के अंदर ये जो वडेरा सिस्टम है हाईजैकिंग हुई हुई है, आप देखें 85% जो पॉपुलेशन है उसको जो ये मफलूज किया गया है, इसके नीचे ग्रास रूट लेवल पे लोगों को उठाने की जरूरत है। आप अपना एजुकेशन लेवल देखें, हेल्थ लेवल देखें, बाकी सारी चीजें। तो मैं राजा साहब मुझे ये बताएं ना, आप जो सारे मामला बता रहे बिल्कुल दुरुस्त, इसका मतलब ये हुआ कि ये तमाम तर जिसकी वजह से सारे बिगाड़ पैदा हुआ उसके अलावा आप हर किसी के साथ इत्तेहाद करने के लिए तैयार है? नहीं, कोई भी जो इस स्टैंडर्ड के ऊपर काम करने के लिए एग्री सर, है, काम करने से पहले आपको स्टैंडर्ड का तो नहीं पता चलेगा ना, अगर इंतखाबी अमल हो जाता है और इसके बाद एक रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। बिल्स जस्ट सपोज कर लेते हैं तहरीक इंसाफ के पास वो अक्सरी था बनती है, तो क्या तहरीक इंसाफ के साथ भी इत्तेहाद करने के लिए तैयार होंगे? क्या अगर पीपल्स पार्टी के साथ बनती है तो पीपल्स पार्टी के साथ भी इत्तेहाद रहेगा? जो कोई भी, हमारा इकतदार इशू नहीं है, जो कोई भी कराची को उस लेवल तक काम करने के लिए विलिंग होगा, दिल से काम करेगा, उसको हम सपोर्ट करेंगे। मेन बात ये है, और जो माजी में जिसको मौका मिला और वो काम ना कर सका हो उसके साथ भी फिर एक बार तो वो अपना किबला दुरुस्त करें ना, हम तो यही तो कह रहे हैं, अपना विजन ठीक करें भाई, हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तो मसला कैसे हल होगा? ठीक हो गया राज साहब, आपका मौकफ आ गया, और यकीन तौर पर बड़ा अहम मसला था कि पीएसपी का पस मंजर क्या है। लेकिन राज साहब मैं जरा आपसे भी जानना चाहूंगा कि ये इस वक्त जो पीएसपी और एमक्यूएम के दरमियान के जो मामला हैं, आपको लगता है कि ये फितरी अमल हो रहा है? ये जो दोनों जमातें जो शायद एक दूसरे के लिए अपने हवाले से कुछ ना कुछ तहफ़ुज़ात, नहीं बहुत कुछ तहफ़ुज़ात रखती थी, बहुत सी बातें इन्होंने एक दूसरे के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कही हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब की अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इसमें वो रो गए थे इस तरह की बातें करते करते, आज अगर इत्तेहाद हो जाता है तो फिर कराची वाले सब फरामोश कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इनकी एक बात से मुझे इख्तलाफ है कि वो कहते हैं कि हम कराची के लिए सबसे बात करने को तैयार हैं, तो आप सबसे बात करने को तैयार हैं तो पीटीआई से क्यों नहीं? कराची के मसाइल को हल करने के लिए आप दूसरी तमाम पार्टियों की तरफ देख रहे हैं तो पीटीआई की तरफ क्यों नहीं देख रहे? इस वक्त कराची को सबसे ज्यादा ऑन जो करता है वो पीटीआई करती है। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं माजर साहब ये बात भी आपको माननी पड़ेगी, कराची के 12 या 14 एमएनए जो थे उन्होंने भी उस तरीके से डिलीवर नहीं किया, कराची की जो आवाज उनको वफाक तक पहुंचानी थी वो भी नहीं कर पाए ना, उस तरीके से अगर कर लेते शायद ये बात ही ना होती। देखिए ये चीजें सारी तो आपको पता है कि बल्दियात और सूबाई हुकूमत और वफाक दो तीन मुख्तलिफ चीज़ें थी जिसकी वजह से हो सकता है कि काम करने में मुश्किलात हुई हों, मगर जहाँ भी हमारे एमपीएस और एमएनएस को मौका मिला है तो उन्होंने आवाम को रिलीफ पहुँचाने की कोशिश की। अच्छा, आपने अक्सर ये बात भी कही कि हम कराची में तामीरात करना चाहते हैं लेकिन 18वीं तरमीम आड़े आ जाती। बिल्कुल, अब वो 18वीं तरमीम अब बल्दियाती इंतखाबात हो जाते हैं। मैं बात एक लम्हे के लिए मफरूजे के तौर पर समझ लूँ कि तहरीक इंसाफ बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब हो जाती है, इसके बाद भी सूबाई हुकूमत का एक मामला रहेगा, क्या सूबाई हुकूमत आपको लगता है जो पीपल्स पार्टी की है वो आपको उस तरीके से सपोर्ट करेगी जिस तरीके से मुर्तजा वहाब साहब को करती थी? बिल्कुल नहीं करेगी। तो फिर डिलीवरेंस कैसे हो सकती है? डिलीवर हो सकता है, हम पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक में आपको पता है कि सबसे ज्यादा जितना एहतजाज जो करने वाली तंजीम है वो तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ ने जब हमारी हुकूमत नहीं थी उस वक्त भी काम करवाए, पब्लिक को निकाल के रोडों पर पब्लिक को निकाला है। अभी भी आप लियारी जाएँ, लियारी में गैस का बहुत ज़्यादा इशू है, पानी का बहुत ज़्यादा इशू है और ये सारे मामला आते हैं, तो अभी भी 2-3 बार जो एहतजाजी हुए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है ना एहतजाज से मसले हल हुए हैं। हुए हैं मसले, देखें एहतजाज से तो अभी लास्ट टाइम पीपल्स पार्टी के लोगों ने अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर दिया लियारी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट साउथ के इनके सदर से पब्लिक को रोड पे लेके आए, 2 दिन तक इनके मामला हल हुए। लेकिन अगर मैं आप ही की मिसाल दूं कि वसीम अख्तर साहब जब मेयर थे और वो काफी अरसा मेयर रहे, मेयर भी थे और उन्होंने गिला भी रखा, और उसके बाद वो परफॉर्मेंस की जब बात आती तो हाथ खड़े हो जाते थे। उसी दौर में आपने नालों की सफाई का इनिशिएटिव भी लिया, एनडीए में कभी एक हमने देखा कि उसमें रोल रहा, लेकिन उस वक्त मेयर होने के बावजूद वसीम अख्तर साहब इख्तियारात ना होने की वजह से बेबस नजर आए। अब आप अगर इस पोजिशन में आ जाते हैं तो ये कहीं आपके लिए मुश्किल तो नहीं हो जाएगी? देखो मुश्किलात तो हैं, कराची के मसाइल ऐसे तो हल होने नहीं है, कराची के अंदर आम आदमी को बहुत सारी ज़्यादा मुश्किलात हैं, कहीं ना कहीं उसको किसी ना किसी की तरफ तो देखना है, तो इस वक्त वो पीटीआई की तरफ देख रहा है ना, क्योंकि आजमाए हुए को तो आप बार बार आजमा नहीं सकते। अब ये एहतियात बने या इलाक हो या कुछ भी हो, इन्होंने पहले ही डिलीवर किया नहीं है, ठीक है आप हमें मौका दें इंशाल्लाह, और आप गुफ्तगू सुनी राजा साहब की, उन पर उम्मीद भी है और कहीं ना कहीं वो बड़ा वेलकम कर रहे हैं कि ये जो इत्तेहाद हो रहा है, और कराची वाले का इस पर रद्द अमल अभी आना भी बाकी है। खुद खालिद मुकुल सिद्दीकी साहब ने कहा कि हम अपने कारकुनान से पूछेंगे, वो जो कहेंगे
फिर हम फैसला करेंगे। अब मुझे जरा ये समझा दें कि इस इत्तेहाद के बाद अगर हुकूमत में रहने या ना रहने का जो फैसला है वो एमक्यूएम करने में कामयाब हो जाएगी। देखें मुनीर साहब, मसला ये है, सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। आप ये देख रहे हैं 15 तारीख को बल्दियाती इंतखाबात है, इसमें ये तमाम पार्टियां मुश्तरका तौर पर जद्दोजहद करके एक होके इलेक्शन में जाना चाहती हैं। पहली बात तो एक ये क्लियर कर लें, ठीक है जी। दूसरी बात, अच्छा ये जो मेरे अभी साथी बैठे हुए हैं तहरीक इंसाफ के, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि असल में रास्ता जो महसूस हो रहा है तहरीक इंसाफ को कि ये इनका रास्ता रोका जा रहा है। हो सकता है ये बात हो, इनकी भी बात में वजन है कि ये रास्ता रोका जा रहा है। अच्छा, अब जो अगर ये मुश्तरका तौर पे इलेक्शन लड़ते हैं और एक तरफ जो है पीपल्स पार्टी है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है, अगर ये सब एक भी हो जाए, कर लें कि अगर ये सब एक भी हो जाए तो भी बड़ा टफ मुकाबला है बल्दियाती इंतखाबात। अच्छा, मुझे अगर ये बता दें, अगर मैं इस सिनेरियो को बिल्ड करूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद है एमक्यूएम से, एमक्यूएम का इत्तेहाद है पीएसपी और एमक्यूएम हकीकी से, अगर ये इत्तेहाद एक तरफ है तो फिर तहरीक इंसाफ है और दूसरी साथ में जमात इस्लामी है, क्या पोजीशन नजर आ रही है आपको? आपने ये बड़ा प्यारा सवाल किया मुनीर साहब, और बहुत जबरदस्त इलेक्शन कांटे का मुकाबला होगा। देखें, जमात इस्लामी ने भी 29 दिन मैंने आपको बताया कि सिंध असेंबली के बाहर बैठे रहे तूफानी बारिश में, हाफिज नईम साहब अपने कारकुनान के साथ कहते रहे कराची को हक दो, कराची के मसाइल हल करो, फिर वो रैली निकाल, ठीक है, अभी 8 को भी निकाल रहे हैं, ठीक है, 9 को एमक्यूएम ने ऐलान किया है कि मर्दुम शुमारी के हवाले से हम एहतजाज करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि कराची को हक दो, कराची की बात करो, कराची के संगीन मसाइल करो। आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ यहां पे कुछ पीछे नजर आ रही है? उन्होंने वफाक पे ज्यादा जोर लगाया है। मकबूलियत जो है मुनीर साहब, ये बात सही है कि बीच में जो जिस तरह मुत्तहिदा बिखरी और जो मामला खराब हुए, उससे आवाम का जो मकबूलियत है वो तहरीक इंसाफ को हुई, ये बात सच है, इसमें कोई ये एक राय बिल्कुल ये क्लियर है। और ये बल्दियाती निजाम में भी हमें, और बल्दियाती इंतखाबात में आवाम का रुझान है कि वो तहरीक इंसाफ को वोट डाले। अच्छा, ये तो है। राहिल साहब, आखिरी सवाल, एक सवाल ये भी कहा जा रहा है कि जब आपके सियासी जो मद्दे मुकाबले जमाते हैं बिल्कुल वो इत्तेहाद कर रही हैं, तो आप लोग क्यों किसी से इत्तेहाद नहीं कर रहे? आपका जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद हो सकता था, आपने वो नहीं किया। आपका दीगर जो जमाते हैं उनके साथ इत्तेहाद हो सकता था, आपने नहीं किया। इसकी क्या वजह? सिंध की सतह पे हमारा इत्तेहाद जीडीए के साथ है, देखें उनके साथ हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। कराची हैदराबाद में बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी पार्टी की जो है ना वो पॉलिसी है कि इस बार सोलो इलेक्शन लड़ना है, फाइट करना है ना। हो सकता है कि इलेक्शन जीतने के बाद फिर वो इत्तेहाद की तरफ इंतखाबी अमल हो जाए, उसके बाद मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ एमक्यूएम के साथ या जमात इस्लामी के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ कुछ तौर पर एडजस्टमेंट करके अपनी हुकूमत बना सके। देखिए, ये तो कबल इस वक्त कहना है, कबल इस वक्त बिल्कुल ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। और यकीन तौर पर ये जो मौजू है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, और बड़ा काम की बात यह है कि ये जो 15 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं, और अल्लाह पाक हो जाए साथ खैरियत से, और जो माहौल बन गया है, क्योंकि बिलावल साहब ने भी कहा है कि हम इलेक्शन में जाएंगे और मेयर जो है उनका कहना है कि जी आला होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन आवामी जो मकबूलियत है उसमें तहरीक इंसाफ भी एक वाज़ पोजिशन है, कराची हैदराबाद, मैं आपको इस तरह कहने जा रहा हूँ। अच्छा, अब अगर ये तीनों एक होके पी एस पी, एम क्यू एम पाकिस्तान, फारूक सत्तार साहब और तीसरा महाजिर कौमी मूवमेंट के अफाक अहमद साहब, ये चारों बल्के मिल गए, तो मैं ये समझता हूँ एज ए सहाफ़ी, एज ए जर्नलिस्ट, कि बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होगा और कांटे का मुकाबला। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। और यकीन तौर पर मुकाबला हो और एक शफाफ मुकाबला हो, ये भी ज़रूरी है कि बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्शन डे के ऊपर पोलिंग बूथ से कुछ तरह के ना ऐसी खबरें ना, ऐसी इत्तलात ना आए जो पूरे इस प्रोसेस को मुतनाज़े बना दें, और जो भी इसके बाद अमल होगा मेयर का या दीगर जो अहदेदारान हैं उनका जो एक अमल है वो भी बड़ा अहम होगा, क्योंकि इसके बाद शायद कराची वाले जिस रिलीफ को काफ़ी अरसे से तरसते रहे, शायद वो अब रिलीफ आहिस्ता आहिस्ता होते हुए नजर, उम्मीद करते हैं जो बेहतर हो। अपने मेज़बान उनको इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।